इसका कारण यह है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र पूरा जल रहा है, क्योंकि कुछ मनुवादी संगठनों द्वारा भीमा कोरेगांव के क्रांति स्तंभ, जिसे हम विजय क्रांति स्तंभ के रूप में हर साल 1 जनवरी को मनाते हैं, वहां जाकर शौर्य दिवस मनाते हैं, वहां कुछ मनुवादी असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे शांतिपूर्ण अम्बेडकर वादियों पर उनके मकानों के ऊपर से पथराव किया गया, जिसके कारणवश हमारे समाज के बच्चों, बूढ़े, महिलाओं, युवाओं को बड़ी संख्या में वहां घायल होना पड़ा। और वहां की जो पुलिस प्रशासन था वो मुक बधिर तरीके से वहां देख रहा था, लेकिन उसने किसी तरह की कोई कार्रवाई जल्दी नहीं की। वो इसी कारण वहां पर हमारे दलित समाज के भाइयों को बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ा, जबकि महाराष्ट्र और सभी महाराष्ट्र की सरकार को ये पता था कि वहां पर इस साल 5 लाख से ज्यादा लोग आने वाले थे, इसके बावजूद उन्होंने वहां पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए।